मद्रक जी, तुम्हारा लकब बदलना पड़ेगा, हर बार हार जाते हो तुम। अगर सादका खातून को देखकर यूं ही होश खोते रहे तो हमेशा हारोगे। नसुए साहिब को तो मकलूब कर दिया, चलो देखते हैं मुझे मकलूब कर सकोगे क्या। इज़राए इनायत मौका अता करें तो कोशिश करूंगा। रोतेनिया से कनीस बनकर आई, अब सुल्तान सुलेमान खान की मलिका, शहजादे मेहमत, मेहरमा सुल्तान और आने वाले कई शहजादों की मां। मेरे बच्चों, तुम सबसे वादा करती हूँ, तुम्हारी माँ ने आज घुटने टेक कर अपनी दुश्मन की पोशाक चुनी है। एक दिन आएगा, सबको अपने सामने घुटने टेकवाऊंगी, खुदा की कसम ऐसा ही होगा। अपने महल वापस आ गई, मेहमत भी तुम्हारे पास है, लेकिन खुश नजर नहीं आ रही। जरूर खुश होंगी एक दिन, मगर अभी नहीं, उस दिन जब माहे द्वारा मेरी पोशाक चुमने की घुटनों के बाद। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है गुलशाह, खुदा गलत करी उस हुरम को, बस शुरू हो गई ना उसे। लेकिन मलिका, कैसी ताजीम करनी पड़ी उसे आपकी, घुटनों के बल बैठ कर उसे पोशाक चुननी पड़ी। दवा की दो कतरे और दो मुझे, हल्का नहीं हो रहा ये दर्द तो। इसने पता नहीं क्या पढ़कर भूखा हो। मलिका लेट जाए थोड़ी देर, आराम कर लेना चाहिए आपको। जो मैं रात है, आज सुल्तान के हुजूर जाना है, सिंगार करना है मुझे। मलिका आपकी तबीयत ठीक नहीं, घर ही हो रहा, मैं तब भेजाऊंगी मैं।
आहे दौरा सुल्तान के लिए तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे खौफ आ रहा है वल्ला। डरो मत निकार खालफा, बहुत कुछ सिखा दिया वक्त ने। हुरम अब एक दूसरी हुरम बन गया है, बचपना खत्म। जब वक्त से सीख लिया है तुमने और तुम्हारा बचपना खत्म हो गया है तो अच्छी तरह याद रखना, पिछली गलतियां दोहराना मत। शुक्रिया, चलो अब जाओ, आका आने वाले हैं। शायद आप भूल रही है हुरम सुल्तान, आज तो जुमेरात है, आका माहिद और सुल्तान के पास होंगे। क्या क्या जतन नहीं किए खुद को मासूम जाहिर करने के लिए हुरम ने, राजी किया फरजन को और आ गई वापस, मगर अब उस पर बहुत कड़ी निगाह रखनी होगी तुम्हें दाया। ये मैं नहीं होने दूंगी कि तन्हा राज करे वो हरम में। क्या कोई बात है आपके जहन में मलिका? हाँ, मगर किसी मुनासिब कनीज का बंदोबस्त करना होगा पहले। सुंबल आगा। हाँ? क्या हुआ सादका? जल्दी में हूँ मैं, बोलो। मैं कनीज़े खास बनना चाहती हूँ। हाँ? निगार कालफा कहती है सुंबल आगा से कहो, वो मदद करेंगे। तौबा तौबा, कनीज़ों का इंतखाब मैं करता हूँ, मेरी है बजाल भला। मैं मुसलमान हो गई हूँ। अच्छा तुम ये सोना रख लो। ये सिक्के रखो अपने ही पास, ऐसे दो चार सिक्कों से हल होगा ऐसा मसला, तुम्हें और दे दूंगी जैसे ही मिलेंगे। बस सुनो, तुम मुझे रिश्वत देना चाहती हो? हाँ? रिश्वत क्या? या रहमान या रहीम, अलिबे तक तो जानती नहीं और चली है कनीज़े खास बनने के लिए, देखो तो सोची भी कैसे ये बात। बड़ी आई मलिका, आका ख्वाबगाह में तशरीफ नहीं रखते। जहां भी गए हो आ जाएंगे, इंतजार करूंगी मैं। वो हरम में, हुरम सुल्तान के कमरे में। गुलनेहाल, कहाँ थी तुम? अपने घर में खुशामदीद। मलिका, तबीयत ना साज है तो वापस तशरीफ ले जाए, आराम कर ले खुदारा। हुरम खातून कैसे वापस आ गई इब्राहिम? कैसे? बेगुनाही का सबूत मिल गया इसलिए आ गई, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, वो औरत अब किसी को भी जर्र नहीं पहुंचा सकती। यकीन नहीं मुझे, मुश्किल से दफा हुई थी यहां से कि फिर आ गई और इस वक्त आका के साथ है। बेटी कान भर रही होगी उनके। मलिका, मैं गुजारिश करता हूं उनकी बीवी के लिए ऐसा ना बोले,
मुझे ये सुनना भी मुनासिब नहीं। मैं तो सिर्फ आपकी जिंदगी और शहजादे मुस्तफा के मुस्तकबिल की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूं। आपका डर बेबुनियाद है। हुरम खातून ने भी समझ लिया होगा कि वो आपसे बिगाड़ कर नहीं रह सकती। मेरे आका, बहुत याद किया मैंने हसरत थी दीद की। तुम्हारा मकतूब आंसुओं के साथ पढ़ा। तुम इतना चाहते हो मुझे? बहुत चाहती हूं। अब अंदाजा हुआ। तुम्हारे अल्फाज ने तड़पा दिया। मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ। सिर्फ अपने दिल के दाग कागज पर लिखती है और क्या करती। मैं लगा कि आपको खो दिया है। मेरे सुल्तान, वादा करती हूं आज खुशियां देने वाली हुरम बनूंगी। सब लड़ाइयां खत्म, बचपना खत्म, बदल गई हुरम। आज से सिर्फ तुम्हारा हुरम। तुम्हें समझने में देर हो गई सुलेमान। एक कनीज को मलिका बनाया है आपने। आपकी खुशियों की खातिर जान भी दे सकती है हुरम। मालिका, आओ सादका ये पहनाओ। तुम्हारा नया लिबास तो बहुत खूबसूरत है। माहे दौरा सुल्तान ने तोहफा तुम दिया है। सुबह बखैर वालिदा। आह फर्जंद, खुशामदीद। इब्राहिम और खजीना के लिए महले हुमायूं का इंतखाब किया है। आला इंतखाब है। खजीना की तरह खूबसूरत है वो महल और अच्छा है करीब होंगे तो आते जाते भी रहेंगे। इब्राहिम तो देख लेगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाकर देखें। हाँ बिल्कुल, बहुत अरसे से कोई रहा नहीं वहाँ, आरास्तगी करवानी पड़ेगी। बहुत माजरत चाहती हूँ मलिका, बेध्यानी में हो गया। बाद में बात करते हैं मलिका, मुझे जाना है। चलो लड़कियों, सुस्ती नहीं दिखाओ, जल्दी करो, हर चीज करीने से रखो। हुरम सुल्तान, अच्छी तरह से देख लीजिए, ऐसा ना हो कहीं पुराने महल में कोई सामान रह गया हो। गुलनिहाल देख लेंगे। निगार काल्फा, एक बात तो बताओ, सबको यकीन आ गया मेरे पे गुनाह का? औरों की फिक्र छोड़े, सुल्तान सुलेमान को यकीन आ गया है। अल्लाह का शुक्र कि रुखसार खातून ने कत्ल होते हुए देख लिया, वरना आप पर से शक कभी ना खत्म होता। रुखसार खातून कौन? एक कनीज है महल की। कातिल तुम नहीं, कोई और है, उसी ने तो बताया। मलिका,
इब्राहिम ने धोखा दिया, झूठ बोला मुझसे, तुम्हें नहीं मालूम थी। अच्छा ये बताओ कातिल कौन है? ये पता नहीं चल सका। वो हरम में ही है जो कातिल है, पर हमें इल्म नहीं। खतरनाक, बहुत खतरनाक। दाया शादी के लिए 2 लाख अशरफे मुख्तस की जाएं। कुल ये तनख्वाहजात हमारे जाती खजाने से किए जाएंगे। दस्तावेज तैयार करवाएं। शाही बागीचे का जश्न बाकी बहुत उम्दा रहा दाया। साबका जी मलिका, लीमू के जायके वाली मिठाई की ख्वाहिश जाहिर की थी मैंने तुमसे, क्या मंगवाई? मंगवा ली मलिका। लीजिए तनावल फरमाए। क्या खूब रंगत है इनकी दाया, जायका बहुत उम्दा और लजीज। कोई टोके ना तो समझो सारी मिठाई खत्म। अरे दाया तुम भी खाओ ना। साथा हमारे लिए शरबत बादाम तैयार करवाओ जल्दी से। मालिका खजानची ने जो खाते भिजवाए हैं वो देखना पसंद करेंगी आप? बाद में देखेंगे हम, ऐसी उजलत क्या है। तुम सुम्बुलागा को बताओ जाकर हमने सुलेमान के लिए मुंतखब की है एक कनीस, उसे तैयार करना है। सबका है सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। सबको सुबह बखैर। आका सफी सल्तनत के हुक्मरान ने रुदोज की फतह पर मुबारकबाद दी, मकतूब आया है। उस जाहिल बादशाह को अकल आ ही गई आखिर। वो अल्लाह ही है जो अता करता है इख्तियार, हुक्मरानी, अदालत, खिलाफत, हशमत, कुवत, फतह और जफर, अजमत, शमशीर जनी का कमाल और अदल। अल्लाह ये इख्तदार सुल्तान सुलेमान के लिए ताबत कायम रखे, गाजियों और शहीदों की कुर्बानियां कबूल करे, दीन दुश्मनों को फना करने की कुव्वत दे, दुनिया से काफरों का नामो निशान मिटा दे। अल्लाह की दी हुई नेमतों में हमारे लिए सबसे बढ़कर आली मुकाम सुल्तान सुलेमान है जो एक अजीम मुजाहिद इस्लाम है। तो जैम, इस्कंदर, सुल्तान सुलेमान और दारियूस जैसे तमाम बादशाहों का इकबाल बुलंद हो। देखा कैसी तारीफ कर रहा है हमारे सुल्तान की। इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह के यही शाया निशान है। मकतूब का जवाब लिखवाने में ताखीर ना करें, लिखो चलेबी। मेरे आका शाह इस्माइल के नाम लिखना है ना मकतूब। कैसा शाह जाफरी चलेबी, हमारे महकूम कब से शाह हो गए, कोई शाहवा नहीं। लिखो, एक मुल्क के हुक्मरान शेख हैदर और उनके बेटे इस्माइल असफवी, अल्लाह तुम्हें राय हिदायत दिखाए। मालूम होता है कि तुमने दीन इस्लाम की बड़ी फतूहात और पैगंबरों की शरीयत के तमाम तर अहकामात को शायद किस्से कहानियों से ज्यादा अहमियत नहीं दी जो कि हकायक है। सो मुनासिब जवाब और सलाम तुम्हें इस मकतूब में तहरीर किया जा रहा है। माशाल्लाह, क्या कर रहे हो ये? क्या हुआ? बेईमानी करते हो, पासे उठाए तुमने। जाओ मैं नहीं खेलता। वल्ला नहीं पकड़े आगा। अच्छा जैसे आप कहें वैसे खेलता। अच्छा चलो खेलो। बिस्मिल्लाह। फिर से 2-5 मैं क्या करूं? अल्लाह अल्लाह। खबरदार वापस रखो, रखो रखो, ये नहीं गिनेंगे। हो क्या हुआ? वापस रखो इन्हें। चलो रुको जरा। ओ मेरे खुदा। ये लो गिलास, इसमें डालो, पासे डालो, अभी लाओ। हाँ, अरे 5-1, ये कैसे हो गया? अब खेल मत खराब करें, खुद ही तो लाएं ये। चलो शकर आगा, अब यही होगा। सुम्बुल आगा इधर आओ जरा। आ तो
खैरियत है दया खातून, मुझे लगता है कोई संगीन मामला दरपेश है। हूँ तुम्हें काम करना है अब, वो सादका है ना? हाँ। तरबियत तो उसे कुछ तौर तरीके सिखाओ। तो क्या वो अनकरीब वो आका की कनीज़े खास होगी? कनीज़े खास? हाय मर गया। दया खातून, दोनों मलिकाओं ने सुन लिया तो फिर वो दोनों हरम सर पे उठा लेंगी। चुप रहो सुंबल आगा, मुझे नहीं वालदाए सुल्तान को जाके बताओ अपने ये बुलंद ख्यालात। वालदाए सुल्तान ने हुक्म दिया है ये? अरे तो हम क्यों फिक्र करें फिर। शुक्र है जल्द समझ गए, मगर देखो किसी को भी इल्म ना हो, निगार काल्फा को भी नहीं। कोई फिक्र ना करें। चलो शुरू करें, मेरी बारी है। हाँ खेल। देखो पास ही यूं फेंके जाते हैं। इसी से फेंके। हाँ लाओ तो। मेरे आका एक और अहम मसला अर्ज करना चाहता हूँ। अयास पाशा के दरबार में आ जाने के बाद रोम के गवर्नर का ओहदा फौरी तकर्री का मुंतजर है, आप किसी को नामजद करेंगे? यकीनन, वो मनसब भी तुम्हारा है। मेरा मनसब? बिल्कुल, फरद पाशा बुहेरा रोम के सूबेदार होकर जा रहे हैं। रोम बहुत ही खास जगह है इब्राहिम, सो किसी लायक के भरोसा के सुपुर्द करना चाहता हूँ। मेरे आका आपने बहुत इख्तियारात दे दिए हैं, आपका दिया हुआ हर इख्तियार मुझे मौत की ओर नजदीक कर देता है। मौत का खौफ अच्छा है इब्राहिम, तुम्हें हर लम्हे होशियार रखे। सादका तुम भी देखो, हाथ में सफाई आ जाएगी। तुम भी वालदा सुल्तान के लिए गिलाफ कर लेना। अरे छोड़ो भी, अच्छा है ना सुखे, कोई तो कमी रह जाए। लो सुई दो मुझे, ये तो बहुत आसान लग रहा है। सादका खातून, बैठो बैठो बैठो। मैंने काफी गौर किया, सादका तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं मैं। वापस रखो इन्हें, पागल हुई हो क्या? मेरे बस में जो कुछ हुआ करूंगा तुम्हारे लिए। शाम को अपने काम खत्म करके मेरे पास आ जाना। समझ गए। जैसा कहूं वैसा करना, फिर देखना। अब बैठ जाओ जाके। सुंबुल आगा से क्या बात कर रही थी चुपके चुपके? इब्राहिम माहीगीर मानुलीस का बेटा पारगाली दुन में आज अपने महल को देख रहा हूं और यकीन कर रहा हूं खुद पर, अपने आका पर, अपने मुकद्दर पर यकीन कर रहा हूं और ईमान ला रहा हूं। पाशा आओ, मतरक्ची आओ। ओ तो अब तुम यहां रहोगे? अगर नसीब में हुआ तो। सही कहा, बड़े चुपरस तुम हो पारगाली। इतने अरसे से खजीना सुल्तान की आतिश इश्क में जलते रहे और हमें खबर भी ना होने दी। फर्जन ने तुम्हारे लिए जो महल मुंतखब किया है कल चलकर देखते हैं हम। फौरन शुरू करवाते हैं मरास्तगी, कोई खास आराइश करवानी हो तो बता देना तुम। बहुत बेहतर वालिदा, माहिदौरा को भी इत्तला करा दे, वो भी साथ चलना चाहती है।
फिर कभी जाएंगे तो ले चलेंगे उसे। हुरम चलेगी आज हमारे साथ। जैसा मुनासिब समझे वालिदा। नहीं पाशा नहीं, उस वक्त अगर विक्टोरिया सामने ना आती तो कभी शिकस्त ना खाता तुमसे। उस लड़की का नाम सादका हो गया मतरक्षी, अब याद रखना। लेकिन जो भी नाम हो मुझे क्या, तुम अपनी शिकस्त के असबाब पर जरा संजीदगी से सोचो मतरक्षी। फिक्र मत करो पाशा, अगली बार बहुत बुरी शिकस्त दूंगा तुम्हें, और वो भी यही तुम्हारे ही महल में जेर करूंगा मैं पाशा। वाकई में मैं इंतजार करूंगा मतरक्षी, तुम्हारा जज्बा अच्छा लगा। मतरक्षी, इस दीवार पर बहुत बड़ी सी एक तस्वीर बनवाना चाहता हूं। बना सकते हो मतरक्षी? वल्लाह तुम्हारे महल जैसी नकाशी करने वाले इस दुनिया में कहीं नहीं है। कहो इनसे बनवा दें, मेरे बस का नहीं है। मैं नकाशी नहीं कह रहा मतरक्षी, तस्वीर कह रहा हूं मैं, फरंगियों के तर्ज की तस्वीर। समझा, तुम वो परिंदों और औरतों वगैरह की तस्वीरें बनवाना चाहते हो जैसे जैसे दीवार पर शमे रोशन हो। हाँ सही, कोई मुसव्विर चाहिए मुझे, है कोई रब्ते में? हाँ है तो सही, पर पूछना पड़ेगा उससे। कौन है? उसका नाम लियो है, किरम से आया है यहाँ पे। किरम से? कहाँ देखी उसकी तस्वीरें? बाजार में देखी थी दुआ सलाम के दौरान, बहुत खूबसूरत बनाता है, माहिर है। इतना माहिर है तो मिलवाओ से फौरन। जैसे आपका हुक्म पाशा, कल तशरीफ ले आए आप बाजार, तारुफ करवा देता हूँ लियो से। हुरम आओ मेरी रूह, देखो क्या शानदार शहर है। देखो बहुत खूबसूरत, मुकम्मल हो गया। देखो यहाँ पे हीरे जड़े जाएंगे, यहाँ पर जमरूद लगेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल दरमियान में याकूत लगेगा एक बड़ा सा, और ये हार एज से गर्दन में पहना जाएगा, और आवेजे होंगे साथ। बहुत मशकूर हूँ मैं, मेरे लिए इतना किया आपने। कब तक मुकम्मल हो जाएगा? तुम्हारे लिए इससे भी खूबसूरत बनाऊंगा, लेकिन ये खजीना को शादी के मौके पर तोहफतन देना चाहता हूँ। खजीना सुल्तान की तो खूबसूरत नासुक गर्दन पे बहुत अच्छा लगेगा। शाबाश, सुल्तान की खिदमत में जाते ही पहले इस तरह से झुकना, फिर आका की पोशाक को ऐसे चूमना है, और जब तक वो तुम्हारी करीब ना आए उठना नहीं है, ना ही तुमने अपना सर ऊपर करना है, ना नजरें उठाकर उनको तुम्हें देखना है। ये बात समझ गई ना? मगर उनकी खिदमत में भेजेगा कौन, कैसे इंतखाब होगा मेरा? ये मसला तुम्हारा नहीं है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर तुम्हें कनीज़े खास बनवा दूंगा इंशाल्लाह। चलो शाबाश, वो सब करके दिखाओ जो मैंने तुम्हें समझाया। शाबाश, इसी तरह। लियो, लियो, ओ भाई मैं हूं, तुम्हारी तस्वीरें कहां पर है? क्यों, यही है। निकालो जल्दी निकालो, तुम्हें एक बहुत अहम शख्सियत से मिलवा रहा हूं। खड़े हो जाओ, हाथ बांध लो। हाँ पाशा, ये है लियो। आपका वकार बुलंद हो पाशा। बहुत खुशी हुई, बड़ी तारीफें कर रहे थे हमारी नसूफंदी तुम्हारी, सुना है बाकमाल मुसव्विर। नसु साहब की मेहरबानी है। जरा दिखाओ अपनी तस्वीर पाशा को। जी जरूर।
किरम से आए हो? यहाँ कैसे आना हुआ? शायद किस्मत ले आई यहाँ पे। जनाब तस्वीर कशी करता हूँ। अच्छा, महल की दीवारों पर मैं कुछ तस्वीरें बनाना चाहता हूँ। पहले कभी किया तुमने ये काम? जी, कलीसियाओं में किया है काम। छत पे तस्वीरें बनाई हैं, जैसे शबीहें वगैरह। जना शबीहें बनाई हैं? बहुत अच्छे, बहुत खूब। इसी की तलाश थी। चलो महल चलकर दिखाता हूं तुम्हें। वालिदा, अपने याद फरमाया? तैयार हो जाओ, रवाना होना है। कहाँ जाना है? ऐसे घबराओ मत, खजीना के नए महल जा रही है। मेरी ख्वाहिश है तुम भी चलो। मैं भी? क्यों, हमारे साथ नहीं जाना तुम्हें? नहीं नहीं, क्यों नहीं चलना चाहूंगी वालिदा, जरूर। तो जाओ करो तैयारी, हमारी फौरन रवानगी है। मलिका, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सादका को तैयार करवा दिया गया है। किस वक्त इत्तला करें आका को? बहुत आला, सुंबल आगा से कहना कि इतना हमारी रवानगी की बातें। मना फरमा दिया आका ने तो? मेरे नाम से इत्तला दे उसे कहना, फिर नहीं होगा कोई मसला। बच्चों को अपनी नजरों से ओझल मत करना, जा रही हूँ। फिक्र मत करो, मैं पूरा ख्याल रखूंगी, जाओ आराम से। पूरम सुल्तान, आप कहीं जा रही हैं क्या? वालिदा सुल्तान ने दावत दी है, खजीना सुल्तान के नए महल जाना है उनके साथ। वालिदा सुल्तान के दिल में जगह बना ली आपने, अच्छा है, खैर से जाइए। वालिदा इंतजार कर रही है। मुझे यह अचानक कहाँ लेकर जा रहे हो? खूब अच्छी तरह तैयार होगी, तुम्हारा बेहतरीन सिंगार होगा। आज तुम्हें खादमाएं तैयार करेंगी। किस लिए तैयार करेंगी? तुम्हारे लिए यह दिन बहुत अहम है, सुल्तान मुअज्जम की खिदमत में जा रही हो। मैं जा रही हूँ? कहा था ना मैंने, सब हो जाएगा। मगर इतनी जल्दी संभल आएगा क्या वाकई में? चलो फिर तुम्हारी मर्जी। रुको, जरा घबरा गई थी मैं। अच्छा, चलो शाबाश। सुम्बुल आगा, खैर तो है? रंग क्यों उड़ गया अचानक? कुछ भी नहीं। ये इस वक्त सादका का क्या काम है यहाँ? यहाँ के तौर तरीके समझना चाह रही थी, बस वही समझा रहा था, सवाब के लिए। सवाब के लिए? अरे तुम लोग तो जाओ, अच्छी तरह समझाना। चलो शाबाश, जल्दी से। बिस्मिल्लाह। हाँ, बंद कर लो। गुलफाम खातून, वालिदा नहीं है क्या? वालिदा सुल्तान और खजीना सुल्तान हुरम खातून को लेकर नए महल तशरीफ ले गई हैं, जहां पर शादी के बाद खजीना सुल्तान रहेंगी। अच्छा, मगर मुझे तो किसी ने नहीं बताया। वालिदा को मुनासिब लगता तो बता देती वो।
लो भाई ये है। मुझे तो ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा है। शुक्रिया तुम्हारा, तुम ना होते तो ये काम भी ना मिलता। आ जाओ। मेरे आका। कहो। वालिदाई सुल्तान खजीना सुल्तान और हुरम सुल्तान को साथ लेकर खजीना सुल्तान के महल गई हैं। मेरे आका, वालिदाई सुल्तान ने आपकी खिदमत के लिए कनीज भेजने का हुक्म दिया है। वालिदा ने दिया है हमको? जी हाँ, बजाते खुद उन्होंने मुंतखब की है कनीज। क्या उसे भेजा जाए अगर इजाजत हो आपकी? मेरे अल्लाह, आफत लग रही हो साता, कयामत लग रही हो तुम। हाय माशाल्लाह, हाय माशाल्लाह, आका की मंजूरे नजर हो जाओगी। चलिए का मौजूद है अपने कमरे में? जी हाँ, पाशा अंदर ही है। ठीक है, मैं अपने कमरे में।
आयशा, मैं मेहर को देख कर भी आती हूँ, तुम जरा शहजादे महमद को देख लोगी? ठीक है, फिक्र मत करो तुम। मलिका, क्यों नहीं बुलवाया उन्होंने आपको? हुरम खातून की जगह आपको जाना चाहिए था। यही तो दुख है गुलशा, वालिदा सुल्तान भी अब उसकी हिमायती हो गई है, अब मुझ पर नजर करम नहीं रही। हाँ हो जाएगी, हर शय मुहैया हो जाएगी, तुम बस ये जहन में रखो। मौत तो खड़े हो जाओ, अगर मुड़कर देखा तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। किस लिए? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, हाथ बंधो, सर झुकाओ अपना। मुसलमान हो? वालिदा सुल्तान की ख्वाहिश थी, अल्लाह ने तौफीक दी और मैं मुसलमान हो गई। बहुत खूब, कहां से आई हो? कहां के हो? सावा की रहने वाली हूं मैं, दिलीप के साथ है वो। हंगरी में है? जी नहीं, बल्गारिया। बहुत खूबसूरत है, तुम्हें पसंद आया हुरम? जी हाँ, खूबसूरत महल है, हमारी तवक्कों से बहुत ज्यादा है यहाँ का। आरास्तगी अगर आज से भी शुरू हो तो महीनों लग जाएंगे। मेरा ख्याल है ज्यादा आराइश करवाने की जरूरत नहीं वालिदा। आज से ही रहना शुरू कर दो अगर तुम्हारा बस चले तो, मगर एक शहजादी के महल में किसी शय की कमी नहीं होनी चाहिए। खजीना सुल्तान बहुत नफीस महल के लायक है, अपने बच्चों के साथ शादाबाद रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस दीवार पर बहुत से फूलों की तस्वीरें बनवाई, यूं लगे कि जैसे हम जन्नत के बाग में हैं।
वालदा सुल्तान तो पसंद नहीं करती हुरम खातून को, फिर भी उसे साथ ले गई अपने। आपको छोड़ के कुछ अजीब सा नहीं लग रहा मलिका? वो औरत बहुत मक्कार है, उसके खिलाफ कोई तदबीर कारगर नहीं होती। क्या कर सकते हैं, बेबस है हम लोग। वालदा सुल्तान आपसे बहुत मोहब्बत करती है, सभी को मालूम है। वो आप पर आंच नहीं आने देंगी। बिल्कुल, बस आका की मोहब्बत चाहिए मुझे तो। क्या हो गया, कैसा शोर है ये? पाशा, आका अचानक निकल कर गए हैं। क्या कर रहे हो तुम, सीधे खड़े रहो। नक्काशी होगी इस दीवार पे। इब्राहिम पाशा अली मकाम तशरीफ लाए थे, यहाँ तस्वीरें बनाने का हुक्म फरमाया है। अपने फन में माहिर है शाही नक्काश, बहुत आला नक्श बनाएंगे महल के लिए, परेशान ना हो खजीना। पाशा उन्हें यहाँ छोड़ गए, बा कमाल मुसव्विर है, यहाँ तस्वीर कशी करेंगे मलिका। खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे तुम, चलो यहाँ से। माहिदौरा
क्या हो गया? पानी में गिर गया था आका, शुक्र है अल्लाह ने महफूज रखा। मेहमत जान, शहजादे, बस ठीक है सब। तुम लोग अंधी और बहरी होके खड़ी थी क्या? कैसे गिर गया होश में शहजादा? हम तो नजर रखे हुए थे आका, बस खेलते खेलते लम्हे भर में गिर गए। माहे दौरा सुल्तान ने शहजादे को होश से फौरन ही निकाल दिया। खुश करो इसे, ठंड ना लग जाए। बाबा, मेरा शेर मुस्तफा। बस बेटा, कुछ नहीं हुआ, डरो मत। शुक्रिया अदा करता हूं तुम्हारा माहे द्वारा। मेरा का खैरियत है ना? हुआ क्या है? चलें बाबा, भाई के पास चलते हैं, वो बहुत डर गया होगा। हाँ मुस्तफा, चलते हैं। तुम परेशान हो रहे हो मेहमत के लिए? जी हाँ। माहे दौरा, माहे दौरा, मुस्तफा अपने भाई के पास जाना चाहता है, आओ चलें। सुनो, कौन लोग हैं ये? ये शाही खानदान की खवातीन और सुल्तान सुलेमान की अहले खाना है। तुम याद रखना, शाही खानदान की खवातीन और कनीजों की तरफ देखना मना है। कहाँ रहती हैं ये खवातीन? छोड़ो, अपना काम करो। ये बताओ, इब्राहिम पाशा की बताई हुई तस्वीर बना सकते हो ना? बिल्कुल। आदाब। आपके मशवरों के मुताबिक ही आरास्तगी होगी वालिदा। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा महल है खजीना, तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। बस चलो, अब हम चल सकते हैं। आ तो फिर कब शुरू कर रहे हो तस्वीर कशी? फौरन, अभी। अच्छा जी हाँ, तो फिर चलो, शाबाश। चलो 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 चलो, अभी यहीं लिटा दे शहजादे को। कुछ तिरपात ले जाना कमरे में। मलिका, आप माफ कर दे मुझे, अगर आप ना होती पता नहीं क्या होता। शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया इसे, आइंदा गफलत की तो समंदर में फिकवा दूंगी। मुस्तफा, मेरी जान, परेशान मत हो तुम। तुम्हें तो बचाया भाई को, तुम आवाज ना देते तो मैं ना दिखती। शेर बच्चा है मेरा, मुस्तफा हमेशा हिफाजत करेगा अपने छोटे भाई की। क्यों मुस्तफा? सादिका, चलो तुम्हें वापस चलना है। आका आ रहे हैं ना अभी? कोई नहीं आ रहा आका जी। इतर नायत गौरम लगल्ब नमालक ही लहरम सराया। मगर अभी अल्लाह, कितनी अहमक हो, समझती नहीं हो। मिजाज बरहम हो चुका है आका का। चलो अब चलो यहां से, चलो। Thank you.
सुंबुल आगा। इब्राहिम पाशा, चलो तुम लोग जाओ, चलो। क्या हो रहा है ये सब? समझा नहीं मैं पाशा। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे इत्तला दिए बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मारेगा हरम में? आपके इल्म में लाना था पाशा, मगर आप थे नहीं। वालिदा सुल्तान की ख्वाहिश पर भेजी गई है सादका खातून, उनका हुक्म था इस खिदमतगारी के लिए। वालिदा सुल्तान ने? जी ऐसा ही है। उलिया हजरत का हुक्म हो और हम तामीन ना करें, भले ये कैसे मुमकिन है? जाओ, जाओ। खुश आमदीद मलिका। डाया, सुम्बलागा को बुलवाइए। आरास्तगी के लिए कुछ मेहमानों को भी बुलवाइए, हिदायत देनी है जरूरी। जी बेहतर मलिका, लेकिन एक खबर है आपके लिए। क्या हुआ? शहजादे मेहमत शाही बागीचे के हौस में गिर गए थे। क्या? परेशान ना हो, बचा लिया गया शहजादे को, बहिफाजत है। कहाँ है वो? माहे दौरा शहजादे के कमरे में है, हिफाजत। माहे दौरा के पास? मलिका ने लपक कर बचा लिया शहजादे को। चलो वारन, चलो। तुम्हें क्या हुआ है सादका खातून? कहां से आ रही हो ऐसे बंसावर के? कहां से आ रही हो इतना सिंगार करके? सुल्तान के हुजूर गई थी क्या? आका के हुजूर जाने की औकात है इसकी? क्या कहा तुमने? क्या हंगामा है? है? बैठ जा। कहां से आ रही हो तुम सादका? पाबंदी है, नहीं बता सकती। अच्छा, किसने लगाई पाबंदी? मैंने तो मना नहीं किया तुम्हें। सुम्बुलागा ने मना किया है क्या? अल्लाह, मेहमत, कैसे हुआ ये हादसा? हम बागीचे में गए थे मुस्तफा को लेकर सैर के लिए, मेहमत भी था, खेल रहे थे दोनों भाई, कनीसे भी पास ही खड़ी थी। बस लम्हे भर को ध्यान हटा और ये गिर गया पानी में, मगर मैंने दौड़कर निकाल लिया। मुस्तफा कैसा है? सहम गया होगा वो तो, मुस्तफा बहुत मोहब्बत करता है अपने भाई से हुरम, परेशान हो गया होगा वो। मुस्तफा ठीक है, आकर वो दोनों साथ हैं। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, शुक्रिया आपका। सदका देना चाहिए हमें, कुछ ही दिन में आग लगी और अब ये। मुस्तफा। बिल्कुल खैरियत से हैं वालिदा आपके पोते, माहे दौरा का शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र। इजाजत हो तो मैं मेहमत को ले जाऊं? मलिका, अल्लाह खुश रखे आपको, मेरे बेटे की जान बचाई आपने।
वस्सलाम। सुंबलागा, एक बाजी और खेलते। शकर आगा, कभी हारने वाले पहलवान को तसल्ली नहीं होती। 40 साल में आज पहली बार जीत गए तो क्या कारनामा हो गया। हम भी अल्लाह के बंदे, शायद किस्मत यावरी कर जाए। वल्लाह मुझे काम है, लेकिन तुम जिद कर रहे हो तो। लेकिन अगर मैं जीत गया तो थाल भर के मिठाई खाऊंगा, वो भी आज ही शाम। मंजूर है। या सबूर या रहीम, सुकून कहाँ है भला। हाँ क्या है, क्या होना है? असल खबरें तो तुम्हारे पास है। साबका को सुल्तान के हुजूर भेजा था। अल्लाह ही समझे इसे। कितना समझाया कि जबान को बंद रखो, मगर बक दिया सब जाकर। तो यानी खबर सही है, हालांकि मेरा सिर्फ अंदाजा था। निगार का अल्फा, तुम भी कम नहीं हो, उगल वाली है ना मुझसे सब। तफसील बताओ मुझे। कैसे होगा, वालदा सुल्तान का हुक्म था, बजा ही लाना था मुझको। हम तुम उनसे सवाल करेंगे क्या? यानी साबका कनीज़ खास हो गई, तो इसका मतलब है कि वो अब कमरा खास में रहेगी। कोई नहीं होगी कनीज़ खास, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। शहजादे के होश में गिरते ही आकर की तवज्जो हट गई थी। अच्छा, फिर भेजी जाएगी, यानी वही हंगामा दोहराया जाएगा। आफियत इसी में है कि किसी को मालूम ना हो ये बात, खास तौर पर हुरम सुल्तान को। हाय, कैसे उस बेचारी गुलनिहाल का चेहरा जला दिया था, कहीं हम पे अताब ना आ जाए। मेहमत का बुखार उतर चुका है, ठीक है माशाल्लाह। मारिया, कितनी ज्यादती की तुमने, क्यों छोड़कर चली गई मेहमत को? मेहरमा को खिलाने गई थी थोड़ी देर के लिए, और मेहमत को गुर्जर के सुपुर्द किया था मैंने। भेड़ को भेड़ियों के सुपुर्द कर दिया। मेरा बेटा मर सकता था, ऐसा मत सोचो तुम हुरम, वही दौरा ने ही तो बचाया है इसे। चलो सला दो इसे। ओह माशाल्लाह, शहजादे ठीक है। माह दौरा का शुक्रिया अदा किया तुमने हुरम खातून, बहुत खुशी हुई मुझे। पहले की बात होती तो उल्टा तुम उन्हीं को इल्जाम देती। इस महल के रंग में रंगती जा रही हूँ, सही है ना? सीख रही हूँ तौर तरीके, तुम भी तो यही चाहती थी। यानी बदल रही हूँ, अब कोई झगड़ा कोई फसाद नहीं हो गया। बिल्कुल, तहिया कर लिया है अब, यही होगा। अब हर सूरत में एक मलिका बन के दिखाऊंगी। ये बात है तो तुम्हें एक बात बताती। बोलो क्या बात है? साबका, क्या हुआ उसे, वो भी मर गई है क्या? नहीं, वो आयला का कातिल कहां मिला है अभी, हालांकि इसी महल में कहीं है। डर नहीं लगता? नहीं, बात कुछ और है। साबका सुल्तान के हुजूर गई थी। क्या कह रही हो तुम दाया, साबका नहीं गई क्या सुल्तान की खिदमत में? बिल्कुल गई थी मलिका, और आका के शाया ने शान अंदाज में भेजा था, लेकिन एन उसी वक्त शहजादे मेहमत वाला हादसा हो गया तो फिर। अच्छा बस बंद कर दो तुम ये मौजू, समझ गई। तो फिर क्या हुक्म है, साबका को दोबारा भेजू? रुको, अभी नहीं, कोई मुनासिब वक्त देख कर भेज देंगे उसे। जैसा आपका हुक्म मलिका।
है दौरा? कब हुआ ये? देखो पुरसुकून होकर सुनना, ये तब की बात है जब आप वालदाए सुल्तान के साथ महले हुमायूं गई हुई थी। किसने हुक्म दिया? सुल्तान मौसम ने? वो वालदाए सुल्तान ने हुक्म जारी फरमाया था। समझ गए, तो इसीलिए मुझे वालदा इसरार करके अपने साथ ले गई थी ताकि लायन रहूं। सुनो, पहले गई तो थी वो खिदमत में, लेकिन शहजादे वाला हादसा होने के बाद खातून को वापस भिजवा दिया गया। अच्छा, तो फिर आप फिक्र की क्या बात है? ये यूं खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही वालिदा सुल्तान उसे खिदमत में दोबारा भिजवा देंगी। क्यों दुश्मन है ये मेरे? क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैंने सर झुका दिया है और इताअत भी कर रही हूँ मैं, और अब क्या चाहते हैं ये मुझसे? हुरम सुल्तान, तहम्मुल से काम लो, भी अपना सुकून बर्बाद ना करो। माहिदौरा, खजीना सुल्तान का महल दिखाने तुम्हें साथ नहीं ले गई, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं वालिदा, मेरी क्या मजाल, मुझे तो कोई और ही दुख है। जानती हूँ सादका है तुम्हारे दुख की वजह। क्या बताऊं कितनी अजियतें झेल लिया मैंने। माहिदौरा, हरम की रवायतों से शदीद नफरत के बावजूद मैं इन्हें बरकरार रखने पर मजबूर हूँ। तुमने भी कितने दुखों के बाद सुल्तान की मोहब्बत में शराकत कबूल कर ली। गौरव भी समझ जाएगी और कोई चारा नहीं। माहिदौरा, हरम की सभी औरतें ये दुख झेलती हैं। समझो हरम की औरतों का बस यही मुकद्दर है, यही फितरत रही है हमेशा से बादशाहों की, और यही रिवाज भी, हम कुछ नहीं बदल सकते। बहुत बेचैन है, आए जो नहीं इब्राहिम पाशा? हाँ, बहुत इंतजार है उनका। जब से शादी का ऐलान हुआ है तब से एक बेनाम सा खौफ रहने लगा है मुझे, जैसे कुछ हो जाएगा। मुझे तो ये ख्वाब सा लगता है बिल्कुल। शहजादी, अब आप इब्राहिम पाशा की मंगेतर हैं, और ये कोई ख्वाब नहीं जो खत्म हो जाए। हाँ, बस यूं ही हंसती रहा करें, खुश रहा करें। कौन है ये मुसफिर? यहाँ का नहीं है मेरे आका, लियो नाम है, किरम का है। मतरक चीने बाजार में मुलाकात कराई थी कुछ रोज कबल, और वैसे ये ताजर भी है। एक फनकार का तिजारत से क्या ताल्लुक हो सकता है? अजीब है। कलीसाओं में तस्वीर कशी का अच्छा खासा माहिर है। आपकी इजाजत हो तो आपके अथकरदा महल की दीवारों पर कुछ तस्वीरें बनवाना चाहता हूं मैं। वो महल तुम्हारा है पारगाली, जो चाहे करवा लो, लेकिन तस्वीरों के इंतखाब में एहतियात बरतना, कहीं जंबीली साहब की नींदें ना उड़ जाए। जंबीली साहब के अकाब की नजर रखते हैं मेरे आका। मुखबिर कबूतरों को भी अकाब बना देते हैं पारगाली। मेरे आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाए हैं। भेजो। मुझे इजाजत दीजिए। इब्राहिम पाशा, बहुत खूबसूरत है आपका महल, आज गई थी मैं वहां, इंशाल्लाह आप बहुत खुश रहेंगे वहां। शुक्रिया। और मैं खुश रहूंगी यहां इंशाल्लाह, उम्मीद है।
वजीर आजम का होदा मुबारक हो इब्राहिम पाशा। इन जज्बात के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूं सफीर मोचिनिगो। मालूम हुआ शाही खानदान की शहजादी खजीना सुल्तान से आपकी शादी तय पा गई है, मुबारक हो। पीरी महमद पाशा से ताल्लुकात के दौरान वक्तन फवक्तन परेशानी रही, मामलात समझने और फैसले करने में हमारा इख्तलाफ होता रहा। पीरी महमद पाशा हमारे लिए भी बहुत कीमती शख्सियत है, तुर्क सल्तनत के लिए बेमिसाल खिदमात है उनकी। मैं चाहूंगा कि उनका जिक्र अच्छे अल्फाज में किया जाए। सफीर मोचिनिगो, अगर खुदा ने चाहा तो मेरे दौर में वेनिस से ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूं मैं। जी फरमाइए पाशा। वेटिकन कैथोलिक कलीसा मार्टिन लूथर के निकाले हुए नए फिरके के लिए क्या करेगा? मशकूक कर दिया उसने कलीसा की हैसियत को। इस बारे में आपकी इतनी मालूमात हैरान कुन है। मैं वाकई हैरतजदा हो गया हूं। हैरानी की क्या बात है, हम सब इसी दुनिया में रहते हैं। लूथर कलीसा को मादी और मानवी तौर पर कमजोर कर रहा है। पोप ने लूथर को हटा दिया है और जिला वतन कर दिया। पापा आजम गलती कर रहे हैं, लूथर कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, वो और ताकतवर बन के उभरेगा, अवाम की, हुक्मरानों की और दीगर अहम शख्सियात की हिमायत से वापस आएगा। पहले वो लूटेगा अवाम और कलीसा, उसके बाद यकीन दिलाएगा गुना बख्शवाने का, जमानत देगा वो उन्हें जन्नत की। देखा तुम फिर से यहां रहने लगे? मुझे भेज दिया गया है, वो तो खास कनीजों का कमरा है और मैं कनीजे खास नहीं हूं। मायूस ना हो सकता है तुम भी खास हो जाओ। कैसे आई थी तुम महल में, कौन लाया था? इब्राहिम पाशा लाए थे मुझे हरम में। तो ये किस्सा है। सादका, कहाँ हो तुम? चलो काम करो अपना, चलो शाबाश। हुरम सुल्तान, अब किसी शय की जरूरत तो नहीं? सिंबल आखा, हरम के मसलूम आखा, दरअसल तुम मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। तुम्हारे बस की बात नहीं। फिरंगियों की सरजमीन से क्या खबरें इब्राहिम पाशा? मार्टिन लूथर के बारे में गुफ्तगू हुई आका। पापा आजम के सामने सर उठाने वाला, कलीसा में जन्नत की तिजारत का रिवाज डालने वाला पादरी, और यही नहीं, वो इंजील मुकद्दस का लातीनी जबान से जर्मन जबान में तर्जुमा भी कर रहा है। वेटिकन ने सिर्फ इस वजह से बरतरफ किया उस पादरी को कि वो कलीसा के सबसे अहम जरिया माश पे कब्जा कर लेता, और ये वो कभी कवारा नहीं कर सकते। लूथर ने अपनी बरतरफी का फरमान बगैर किसी खौफ के सरेआम चला दिया है। कितने लोग जानते हैं लातीनी जबान? फिर नए सवालात तो उठने ही हैं जब इंजील मुकद्दस का तर्जुमा कर दिया जाएगा। कलीसा वाले सवाल नहीं अतात पसंद करते हैं। कलीसा के इक्तदार पर चहमक गोइयां शुरू हो गई हैं।
सुल्तान बिल्कुल सही फरमाते हैं, ईसाई दुनिया यहूदियों के मसले के बाद पहली बार इतनी बड़ी कश्मकश से दोचार है, लेकिन फिर भी वेटिकन कैथोलिक कलीसा हमेशा ताकतवर रहेगा। सफीर से कहो बताए जरा, शार्लकन अपने निजाम से एक लूथर तक को कायल ना कर सका, पूरे जर्मनी को कैसे कायल कर पाएगा? जर्मनी वाले लूथर को पांचवा शहंशाह कबूल कर रहे हैं, मगर और किसी को शहंशाह कबूल नहीं कर रहे। इब्राहिम पाशा, सफीर को अपनी शादी पर मधु किया है? नहीं मेरे आका। इब्राहिम पाशा की शादी हो रही है, आपको दावत दी जाती है। शिरकत एजाज होगी सुल्तान मौसम। इत्तला करा दी है, इब्राहिम पाशा जब मुस्तफा को लेने जाएंगे मकतब से तो वहां आपका इंतजार करेंगे। खुश रहो गुलफाम। क्या करूंगी तुम्हारे बगैर गुलफाम, तुम भी मेरे साथ चलो ना, उसी महल में रहना। एजाज होगा ये मेरे लिए, मालूम तो है आपको मेरी जगह यही है। बहुत माजरत। वालिदा से बात करूं मैं? फायदा नहीं कोई, आका के हरम में हूं मैं, इस महल से कहीं नहीं जा सकती। परेशान ना हो आप, आपका महल कौन सा दूर है, आना जाना लगा ही रहेगा। शहजादे गुलफाम खातून, कैसी हैं आप दोनों? खुशामदीद हुरम, आओ बैठो मेरे पास। आप ठीक है ना? रुखसती में तो काफी दिन है अभी, और शहजादी अभी से उदास हो रही है मुझसे दूर होने का सोचकर। क्या तुम नहीं जा रही इनके साथ? ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन शहजादी को तन्हा भी नहीं रहने देंगे हम। दाया खतून से कहकर किसी बादब और समझदार कनीज का बंदोबस्त करा देंगे इनके लिए। मैंने तो अपना सुकून ढूंढ लिया है लगा। वो लोग जितना भी मुझसे उलझेंगे मैं उतना ही उनसे दूर रहूंगी। अच्छा हो गई, लेकिन साथ का आइंदा आका की खिदमत में नहीं चाय की पाबंदी है, सुन लिया? ये कैसे हो सकता है, तुम कैसे लगा सकती हो ये पाबंदी? मैंने कहा ना नहीं जाएगी, किसी कीमत पे नहीं जाएगी। अब तुम्हें बता दिया है तो किसी मुश्किल में ना डालना मुझे। डरो नहीं, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। मुझे मालूम है कौन होनी चाहिए उनकी खास कनीस। कौन सी? वालिदा सुल्तान की खिदमत में एक बहुत समझदार कनीस है, वालिदा बहुत मुतमईन है उससे। क्या नाम है उसका? नाम सादिका, वही जिसने शहजादों को आग से बचाया था। हाँ बिल्कुल, वालिदा को खासी पसंद है वो, और इब्राहिम पाशा ही लाए थे उसे हरम में। क्या वाकई? सुबल ने बताया। वालिदा उसे भेज देंगे क्या, आखिर वो उनकी खिदमतगार है। अरे क्यों नहीं, आप उनकी सबसे प्यारी बेटी हैं। सही कह रही हैं हुरम सुल्तान, और दाया खातून भी उसकी बहुत तारीफें करती हैं। फिर देखते हैं क्या हो सकता है। सादका जी, हुकुम मलिका। तुम्हारा चेहरा तो मुस्कुराना ही भूल गया, अगर कोई परेशानी है तो बताओ। जी नहीं मलिका, कोई परेशानी नहीं। हरम की कनीजों का रवैया बुरा है क्या तुम्हारे साथ? ये वजह नहीं, मैं बताओ, झिझको मत। आपने मुझ पर इनायत की, आका की खिदमत में भेजा, मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई जो वापस भेजा। सब्र करो, वक्त आने पर भिजवा दिया जाएगा, लेकिन किसी की इज्जत और एहतराम में कमी नहीं होनी चाहिए। मुस्तफा को तो ले आओ जरा मकतब से,
मुझे याद आ रहा है। आला, फिरंगियों के इख्तलाफात जितने बढ़ेंगे हमारे लिए उतना ही सूदमंद होगा। सल्तनत की ताकत अगर बढ़ानी है अपने बुजुर्गों की तरह हमें इस सियासत में हर तरह के दाव पेच खेलने होंगे। लूथर की मजबूरी है कि अपने शैतान सिफत हुक्मरान को इक्तदार से हटाने के लिए उसे फिलहाल तुर्कों से दुश्मनी खत्म करनी पड़ेगी। मशरकी यूरोपीय हुक्मरान बजद हैं कि पहले पापा आजम और दीगर मजहबी पेशवाओं को खत्म किया जाए और तुर्की से बाद में उलझा जाए। उनकी हर लम्हे की खबर रखना। पापा आजम और हस्पानिया के खिलाफ लूथर और जर्मन सूबेदारों की मदद करो और उन्हें ताकतवर बनाओ अपना मातहत रखकर। सूबेदार मिस्र अहमद पाशा तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, क्या हाल अहवाल अहमद पाशा? कब रवानगी है मिस्र के लिए? तैयारी अब जाके मुकम्मल हुई है मेरे आका, किसी वक्त भी रवाना हो जाऊंगा इंशाल्लाह। आपकी दुआएं लेने आया हूं। खैरियत से जाओ अहमद पाशा, अल्लाह मदद करे तुम्हारी। मिस्र के तमाम तर इंतजाम के जवाबदेह तुम होगे, वहां पर हमारा इंसाफ नाफिज करो जाकर। आप बेफिक्र हो जाए मेरे आका, आपका बेमिसाल इंसाफ वहां जरूर नाफिज होगा। शाही खजाने में इजाफा हो गया है, मेरी हुक्मरानी वहां हालात बेहतर कर देगी। अहमद पाशा, कदरजादे मेहमद आफंदी को तो जानते हैं आप? यकीनन। ये आपके हमरा जाएंगे मिस्र के तमाम तर मामलात में, ये आपकी मुआवनत करेंगे। कतन जरूरत नहीं, अवाम मेरे साथ है। पाशा, ये आपकी हुक्मरानी को तकवीत देंगे यकीनन। मेहमद आफंदी आपके लिए बहुत फायदामंद साबित होंगे। आका, कदरजादे आफंदी फौरन तैयारी कीजिए, अहमद पाशा के साथ आप मिस्र रवाना हो रहे हैं। मेहमत अफंदी, जो समझाए वो अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। मिस्र में पेश आने वाली एक एक बात लिखकर बाहिफाजत मुझे भेजोगे, और खासकर अहमद पाशा के हर इकदाम से बाखबर रखना होगा मुझे। हमारे लिए जो काम नुकसानदेह हो वो काम करने की हरगिज उसे इजाजत मत देना, याद रखना तुम ये। फिक्र ना करें इब्राहिम पाशा, उनके हमरा मुझे क्यों भेजा जा रहा है अच्छी तरह जानता हूं। हर वक्त अहमद पाशा के साय की तरह रहूंगा, हर बात आपके इल्म में लाऊंगा। शाबाश, सफर बखैर। पाशा, अंदर तशरीफ ले जाएंगे या दरबार बर्खास्त कर दें? जरा शहजादे को देखाऊं मैं तो फिर अंदर जाऊंगा। मलिका, आपका दर्द शिकम अभी तक ठीक नहीं हुआ? हो जाएगा, तबीबा की दी हुई दवा पी रही हूँ, मेथी पर ठंड का असर है, बस हिमतली रुक जाए। मतली ना रुकने से मुझे कुछ शक हो रहा है मलिका, कहीं आप उम्मीद से तो नहीं? क्या ऐसे ही होता है मलिका? उसका क्या तालुक इस बात से? ये तो बस आम सी मतली है। हो सकता है मलिका, तबीबा को बोल देती हूँ मैं, मुआयना कर लेगी, आपको तसल्ली भी हो जाएगी। मायने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मेरे लिए शरबत शहतूत बनवा दो, फर्रे होता है। शहजादी, मुस्तफा अंदर ही है, उसे मत देखिए, बाहर आ जाएगा। वालदे सुल्तान के साथ आप महल देखने गई थी, पसंद आया आपको? बहुत ज्यादा, अब मेरे ख्वाबों में वो महल भी होता है।
मगर एक बेनाम सा खौफ भी दामनगीर है। अगर नसीब में ना हुआ। मेरा बस चले तो वहीं डेरा लगा लूं से आपके शायाने शान तैयार करवाने के लिए। मैं तो एक एक दिन गिन रहा हूं कि कब आपसे मिलन होगा शहजादी। एक वक्त ऐसा था जब आपका दीदार करना भी नामुमकिन नजर आता था। मुझे अभी तक इस खुशी पे यकीन नहीं हो रहा। शहजादी, पाशा, मुझे वालिदाए सुल्तान ने भेजा है शहजादी को लेने के लिए। बेहतर है, जाओ अंदर ले आओ उन्हें, हम साथ चलेंगे उनके। इब्राहिम, इस कनीज को महल में आप लेकर आए थे? जी हाँ शहजादी, मतरक जी नसू को मिली थी बेयारो मददगार, रुदोश की राह पर जख्मी हालत में पड़ी हुई। मैंने सुम्बो लगा के हवाले कर दिया था। एक लिहाज से अच्छा ही हुआ, शहजादों को आग से इसी ने बचाया था। वालिदा भी इसे पसंद करती हैं, बहुत समझदार और बहुत बाअदब कनीज है। अभी बात तो नहीं की, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इसे अपने साथ ले जाऊं महल। मुनासिब रहेगा शहजादी, बहुत समझदारी और तवज्जो से आपकी खिदमत करेगी। है क्या बात मानी खजीना सुल्तान ने? उसके दिल को लगी तो है ये बात, देखते हैं क्या होता है। और फर्ज करो वालिदा ने भेजने से मना कर दिया तो? वो औरत इस महल से जाएगी, ये नहीं हुआ तो कोई और रास्ता निकालूंगी। हुरम, सैकड़ों कनीजें हैं इस महल में, अगर ये नहीं तो कोई और होगी। सुलेमान मेरे सिवा किसी और का नहीं होगा, कभी नहीं। जाने कब खत्म होगा तुम्हारे अंदर का ये भूचाल। ये तो मरकर ही खत्म होगा। कोई देख लेगा। क्या हुआ अलेक्जेंड्रा, तुम इस तरह क्यों शर्मा रही हो मुझसे? देर हो रही है, बाबा नाराज होंगे, चलो चले। बस थोड़ी देर, बाबा तुम्हारे बगैर अपना वास शुरू नहीं कर सकते क्या? पादरी की बेटी ही चर्च में ना हो तो लोग बातें नहीं बनाएंगे क्या? अच्छा भाई चलते हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, देखती जाओ तुम्हें पसंद आएगा। लियो मुझे जाना है, अम्मी बहुत डांटेंगी, कल देख लूंगी। एलेक्स, चाहती हो ना मुझे? बहुत चाहती हूँ, बहुत 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 बहुत। नसू साहब कैसे हैं? हाथ रंगे हुए हैं। कहां घूमते हैं, रंगों पर ध्यान नहीं था तुम्हारा, सब खैर तो है? क्या बात है, कोई दुख है तुम्हें? शायद दीवाने हो गए हो। दीवाने? हाँ दीवाने मतलब आशिक हो गए हो। अच्छा जी, दुखती रख पे हाथ रख दिया ना मैंने। तुम्हें इश्क नहीं हुआ कभी? क्यों, हम कोई बेजान छवि है, हमारा दिल नहीं है क्या? हम तो आशिक को आंखें बंद करके भी पहचान लेते हैं। कहीं खो गई हो, बहुत ढूंढा से मगर गुम गायब। सही बोला ना गायब? तुमने सही कहा गायब। गायब हाँ, अच्छा अब समझा, तो तुम इसी औरत की तलाश में थे हाँ? अच्छा, क्या इब्राहिम बादशाह को तस्वीरें पसंद आईं? वाह जबरदस्त, तो तुम अब मौजू बदल रहे हो। बदल लो। हाँ मिलूंगा, कोई पैगाम पाशा तक पहुंचाना है तो बता दो मुझे। कुछ नहीं। ठीक है,
ये कैसा रंग है? मुझे पसंद है ये। सादिक, तुम मुस्तफा के पास जाओ और उसका ख्याल रखो। अच्छा तो आप बताओ खजीना, मुझसे कुछ कहना चाहती हो? वालिदा, हरम की कनीजों में से एक कनीज मैं अपने लिए मुंतखब करना चाहती हूँ। तुमने ठीक सोचा, अपने लिए तुम्हें कनीज पहले से ही मुंतखब कर लेनी चाहिए। मैंने मुंतखब कर ली है, लेकिन आपकी इजाजत चाहिए। तुम जिसे चाहो साथ ले जाओ खजीना। सादिका मुझे दे दे वालिदा। काफी दिनों से नजर नहीं आ रही माहे दौरा सुल्तान, तबीयत नासाज है उनकी। तबीयत क्यों नासाज होगी? हुरम सुल्तान महल में वापस आ गई, हो सकता है इस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई हो। बहुत बोल दिया आप लोगों ने, माहे दौरा सुल्तान बीमार नहीं है, बल्कि उम्मीद से, और इसीलिए आराम कर रही है वो। क्या सच कह रही हैं आप? सुना तुम लोगों ने, उम्मीद से हैं। एक शहजादा और आ रहा है। हुरम तो जल जाएगी ये सुनकर। मलिका, मुस्तफा खेल रहे हैं, आप फिक्र ना करें। सातवा, इधर आओ जरा, इधर आओ। मुस्तफा का बहुत ख्याल रखती हो तुम। ये लो, पहन लो इसे। शुक्रिया, शहजादे का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। ठीक है, जाओ आप। गुलशा कहाँ रह गई? मैंने शरबत मंगाया था, देखो कहाँ है। मसरूफ हो तो कुछ देर बाद आ जाऊंगी। नहीं, आ जान, मेहरबा सो गई है। मैं ले लूंगी गोद में। बहुत प्यारी है माशाल्लाह, खूबसूरत होगी बड़ी होकर। आपकी तरह नासुक नफीस होगी। हुरम, मेरी वालिदा से बात हो गई, सादिका मेरे साथ जाएगी। अच्छा किया, अच्छी कनीज है, बहुत खुश रहेंगी आप। सादिका खातून, मुस्कुराती रहो, यूं घबराओ मत। अलबत्ता एक बात बता दूं, खिदमतगारी को भूल जाओ आका की। वो क्यों? वो इसलिए कि वालदाए सुल्तान तुम्हें खजीने सुल्तान के महल भेज रही हैं और अब से तुम शहजादी की खिदमतगार रहोगी। नाराज बू, ابه خوش حال بید. خدیجه سلطان توی به تایبتی حال بشت سوگین؟ یه ناممکن ہے، میں کنیز خاص بنوں گی اور آقا کے ساتھ اسی محل میں رہوں گی۔
मत देखो तुम ऐसे ख्वाब। हुक्म बड़ी बारगाह से आया है, हर काम में कोई भलाई होती है। राजी रहो अपने मुकद्दर पर। चलो जाओ जाओ, काम करो अपना। गुलनिहाल, अभी खजीना सुल्तान आई थी, सादिका उनके साथ जा रही है महल। अच्छा। सिर्फ अच्छा समझी नहीं तुम शायद। अरे जान छूट गई उससे, जा रही है वो। हुरम, एक बात बतानी है तुम्हें, गुस्सा मत करना। क्या है? माहिद और सुल्तान, वो सुनाही पर से उम्मीद से। पक्की खबर है? सबसे यही कह रही थी गुलशा, इतरा इतरा कर बता रही थी कनीजों को। मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं किसी तरह, एक चाहती नहीं कि दूसरी आ जाती है। पाशा वो। हाँ बोलो। मुझे विक्टोरिया बहुत याद आती है, बहुत दिन हुए उससे मिले हुए। विक्टोरिया नहीं, सादिका। तुम्हारे लिए सादिका होगी, मेरे लिए तो विक्टोरिया है। मेरी हालत तुम समझ सकते हो पाशा, मिलवा दो उससे। बहुत मुश्किल है मतरक जी, महल में भला कैसे मिल सकते हो? पागल हो गए हो, सर कलम करा दिया जाएगा। अरे तो क्या हो जाएगा पाशा, शहीद मोहब्बत कहलाऊंगा मैं। रुको रुको मेरे भाई, रुको जरा। शादी के बाद मेरे महल जाएगी सादिका, खिदमतगार के तौर पर शहजादी की, वहां मिलवा दूंगा तुम्हें। पाशा आप पाशाओं के पाशा हो, वल्ला आपने मुझे खुश कर दिया, आपका हाथ चुमना मेरे लिए एजाज है। रुको बंदा खुदा रुको, खुश रहो पाशा। क्या कर रहे हो, कुछ ख्याल करो, महाफिस अभी मशके कस लेंगे तुम्हारी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अहले खाने इंतजार कर रहे होंगे। खुदा हाफिज। मौजू आगा। विक्टोरिया इधर जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ, मुझे भेज रहे हैं, लेकिन मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। इशा के बाद यहाँ आ जाना, मैं खत दूंगी तुम्हें। ठीक है आ जाऊंगा मैं, बस तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना, ठीक है ना? दिमाग तो सही है, रात को आना मत भूलना। बैठ जाओ। माहे दौरा मुबारक हो तुम्हें, हमें खबर नहीं दी तुमने। किस बात की वालिदा? उम्मीद से होना। वालिदा मैं बहुत खुशी हुई, एक और शहजादा जो आ रहा है। खैर करे अल्लाह, बहुत प्यारा शहजादा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत मुबारक हो मलिका। मुबारकबाद में उजरत नहीं कर रही हूँ, पहले तबीबा देख तो ले, अभी ऐसा ना हो शायद। ठीक कहती हो तुम, यकीन होने पर ही बताएंगे फरजंद को।
तबीबा को कहलवा दिया है, कल सुबह आ रही है मोइने के लिए। और मिठाई नहीं है? बस करो, कितना खाओगी हुरम? इतनी मिठाई ठीक नहीं। गुल-ए-हाल पता नहीं, बहुत दिल चाह रहा है। अच्छा जाओ, पता करो कि माहे दौरा वाकई उम्मीद से है। बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊं मैं? और मालूम क्या करना है? उम्मीद से है तो है, अगर लड़का हो गया तो दोबारा जम जाएगी और उसके बाद मेरा जीना दो भर कर देगी वो। मुझे इब्राहिम पाशा के महल में भेज रहे हैं। अरे घबराओ मत, मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, वहां भी पहुंच जाएंगे। क्या कर रहे हो? पीछे हटो। कौन देख रहा है? आ जाओ ना। हाथ मत लगाओ मुझे, दूर हटो। शोर मत करो वरना सबको बता दूंगा कि तुम कौन हो। इस तरह तो तुम भी मरोगे, मैं भी बता दूंगी तुम्हारी असलियत। मेरे आगे कौन सुनेगा बात तुम्हारी? खजीना, गुलफाम, अब चलना चाहिए। माहे दौरा तुम बस अब आराम करो, इंशाल्लाह सुबह तबीबा खातून खुशखबरी सुनाएंगी हमें, देख लेना। जी, शब बखैर वालिदा। गुलशा, तुमने दिखा दी ना अपनी जहालत। वो मलिका, मैं मुझे सारे महल में रुसवा करना चाहती है तू? हाँ, मैंने तो हुरम को जलाने के लिए कहा था ताकि हजरत से पागल हो जाए सुनकर। मैं उम्मीद से नहीं हुई तब? उस वक्त क्या होगा? हाँ, सब लोग थो करेंगे मुझ पर। ऐसा ना सोचो मलिका, कुछ दिनों से जो आप निकल जाओ बाहर, निकल जाओ और मुझे शक्ल ना दिखाना फिर। मलिका मैं दफा हो। रात के इस पहर क्या फिर से भूख लग गई? निगार का अल्फा ने बताया, बिरयानी, मिठाई, ओहो। हुरम खातून ने इस हफ्ते जितना कुछ खाया उससे पूरे हरम का पेट भर सकता है वल्ला। बहुत ही बेअदब हो तुम जाहिल, वो एक मलिका है और तुम उनके लुकमे गिन रहे हो। हरगिज नहीं, कतन नहीं आगा, काम बर वक्त तैयार नहीं हो पाता, सिर्फ इसलिए कह रहा था मैं तो। खैर हो अल्लाह करे, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? उस तरफ से आ रही है। अल्लाह खैर करे। मदद करें, मुझे बचाएं। मैं बेकसूर हूँ, ये जबरदस्ती कर रहा था। अच्छा, माफ तो आना जरा। अगर माहे दौरा एक और शहजादे की मां बन गई तो हरम में उसकी हैसियत मजबूत हो जाएगी।
माहिदौरा कुछ ज्यादा पुरुमीद नजर नहीं आ रही, शायद उम्मीद से ना हो। तसल्ली करना चाह रही है, हालांकि तबीयत तो कई रोज से नासाज है, अलामात सारे वही हैं, यकीनन उम्मीद से है। अल्लाह बेहतर करे, कल मालूम हो ही जाएगा वालिदा। जिंदान में डाल दो, ले जाओ इसे। सुम्बलागा, सुम्बलागा, मेरी भी तो बात सुन ले, वल्ला मैं बेकसूर हूँ, हमला इसी ने किया था। खामोश, मुंह पे झूठ बोलते हो मौजू आगा, सच बताओ ना मर्दों की तरह। तुम लोग क्यों खड़े हो, लेके जाओ ना। आलो, आगा वल्ला मैंने कुछ नहीं किया। चोरी और सीना जोरी। बेचारी कैसे कांप रही है, खौफजदा हिरनी की तरह। शकर आगा, बादाम का शरबत बनवाओ जाके, दिल को तकलीफ मिलेगी इसके। आओ चलिए। आगा, मुझे कनीजों के सामने ना ले जाए, इस हालत में देखेंगी मुझे, क्या क्या बातें बनाएंगी वो। ठीक है, तुम्हें निगार काल्फा के पास ले चलता हूँ, वो किसी मुनासिब जगह सुला देगी तुम्हें, ख्याल भी रखेगी तुम्हारा। चलो आ जाओ। दफाल बला वल कज़ा। क्या कयामत आ गई इस वक्त, बोल नहीं सकते थे बाहर से। अरे दिमाग काम कर रहा है क्या? हाँ। अब क्या हो गया है? संगीन मामला है, साथ का सब बता देगी तुम्हें। मुझे फौरन इब्राहिम पाशा से मिलना है। चलो अंदर जाओ कमरे में। आ जाओ। इब्राहिम पाशा, तकलीफ की माजरत चाहता हूं मैं। खैरियत है सुम्बुलागा? दरअसल एक बहुत संगीन मामला पेश आ गया है जो आपको बताना जरूरी था पाशा। कहो। महाफिजों के रिहायशी हिस्से में मौजूद आगा ने सादका के साथ आती की कोशिश की, अल्लाह का करम हुआ मैं पहुंच गया, बता वो कामयाब हो जाता, बच साथ कहीं का आपस से बाहर हो गया, कबीस डलवा दिया जिंदान में। महाफिजों को मैंने ये बता दिया है कि वो गुनाह का मुर्तकिब है, हरम के एक मासूम करीज को वरगला कर यहां बुलाया और फिर अपनी हैसियत का फायदा उठाते हुए इज्जत और नामूस पे हमला किया उसकी। खातून का क्या हाल है? वो ऐसे थर 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 कांप रही है, अभी निगार काल्फा के कमरे में छोड़ा है उसे, कुछ बेहतर है। निगार काल्फा से कहो कि सादका को बहिफाजत रखे, उसे जल्द खजीना सुल्तान की खिदमतगार के तौर पर भेजा जा रहा है। ताकीद कर दो निगार को कि यह बात किसी के इल्म में ना आए। पाशा, मौजू आखा, ये तो होना ही था, मौजू की नीयत खराब होगी तुम पर, लेकिन तुम्हारी गलती भी तो है, ऐसे रातों को यहाँ वहाँ घूमोगी तो ऐसा ही होगा सादका। मुझे क्या पता था वो ऐसा आदमी होगा। इल्म रखना था ना, संभल कर रहना, समझाया था ना ये। सुम्बुलागा अगर वक्त पर ना पहुँचते तो आबरू भी जाती तुम्हारी और फिर महल बदर भी कर दिया जाता, गली बाजारों में रहती सारी जिंदगी। अब क्या होगा मेरे साथ, सजा मिलेगी मुझे? अब सिर्फ दुआ करो कि वालिदे सुल्तान के कानों तक ही बात न पहुंचे, कयामत आ जाएगी अगर उन्हें पता चल गया तो। अच्छा बस रो नहीं, चलो आंसू पोंछो जल्दी से और अब आराम करो, सुबह अल्लाह खैर करेगा। तुम बहुत अच्छी खातून हो, बहुत अच्छी।